हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अनबॉक्स एंड रिव्यू वन प्लस नॉट, जो कि जो वेरिएंट है, मेरे पास 12 GB ऑफ रैम है, 256 GB ऑफ स्टोरेज वाला है। ये फ़ोन का जो प्राइस है वो 30,000 है, और 30,000 में आने वाले जितना भी अभी तक का स्मार्टफोन है उस सारे को वन प्लस नॉट बीट करता है। एंड यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी काफ़ी सही है। इसका जो डिस्प्ले 90Hz फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसका अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू देता हूँ आपको कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अमेज़न ने कुछ इस तरह से बॉक्स पैकेजिंग किया हुआ है। बॉक्स को कट करते हैं और निकालते हैं अपना वन प्लस नॉट का डब्बा। तो बॉक्स पूरी तरह से प्लास्टिक के साथ रैप किया हुआ है। इसको अनरैप करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नॉट का डब्बा है। यहाँ पे वन प्लस का लोगो और नॉट का टेक्सचर है ऊपर के साइड में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। एंड ये काफ़ी अच्छा कलर्स के साथ इसका डब्बा आता है। एंड बैक साइड में हम देखें तो यहाँ पे 12 GB रैम और 256 GB ऑफ स्टोरेज वाला है, और ये ऑक्सी ग्रे कलर है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वे नॉट, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे हमारा मोबाइल। एंड इसे अभी फिलहाल साइड में रखते हैं और फोकस करते हैं अपने बॉक्स कंटेंट पर, हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक रेड केबल क्लब का कार्ड है वन प्लस की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में कुछ पेपर वर्क्स है, जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, क्विक गाइड है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें नॉट का कुछ स्टिकर्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक टिप्यू केस है, लेकिन ये थोड़ा सा डिजाइनिंग के साथ आता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। उसके यहाँ पे एक वेलकम लेटर है नॉट की तरफ से, वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। उसका जो मेन कंटेंट है हमारे पास बॉक्स में वो है चार्जर, जो कि 30 वाट्स का फास्ट चार्जर है। वेब चार्ज के साथ आता है ये। 0 to 70% बैटरी का आपको 30 मिनट्स में चार्ज कर देगा ये। और यहाँ पे जो वन प्लस का केबल है वो काफ़ी अच्छा केबल है, टाइप सी टू टाइप ए पोर्ट है ये। उसके बाद हमें फाइनली इसका फिजिकल ओवरव्यू के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर का मोड दिया गया हुआ है, जिसके जरिए आप म्यूट और साइलेंट कर सकते हो। उसके लेफ्ट साइड में हम देखें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर, और ऊपर के साइड में देखें तो प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर के लिए यहाँ पे ग्रिल है। उसका नीचे के साइड में सिम ट्रे, उसका टाइप सी पोर्ट, उसका स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। वही हम बैक साइड के बारे में बात करें तो बैक साइड में हमें देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा प्रीमियम ग्लॉसी लुकिंग के साथ वन प्लस नॉट है हमारे पास। ऊपर की तरफ 4 कैमरे दिए गए हुए हैं, जो कैमरा कुछ इस तरह से है। रियर कैमरा जो यहाँ पे यूज किया गया वो 48 MP का सोनी के लेंस के साथ आता है, और जिसका अपर्चर होने वाला है 1.75। अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस है वो 8 MP का है, और 119° फील्ड ऑफ व्यू एंगल होने वाला है, जिसका अपर्चर 2.25 है। एंड डेप्थ लेंस यहाँ पे 5 MP का है और 2.4 अपर्चर्स पे है। एंड मैक्रो लेंस जो है वो 2 MP पे, और अपर्चर इसका 2.4 है। ड्यूबल LED फ्लैश के साथ ये आता है। यहाँ पे जो वन प्लस नॉट में डिस्प्ले यूज किया गया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 6.44 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले है। 2400x1080p पिक्सल्स का इसका रेजोल्यूशन होने वाला है। जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो 20:9 का होने वाला है। एंड रिफ्रेश रेट 90Hz का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पर इसका डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे कलर्स के साथ आता है। और वहीं पर इसका जो कवर ग्लास है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया हुआ है, जो कि प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैमरा यहाँ पे दिया गया हुआ है वन प्लस नॉट में। बैक साइड में 4 कैमरे और फ्रंट साइड में आपको 2 कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि कैमरा है कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे सोनी का IMX586 सेंसर का यूज किया गया हुआ है। 48 MP का यहाँ पे कैमरा है, क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वो काफ़ी अच्छा काम करता है। अपर्चर 1.75 होने की वजह से ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड एंगल्स का लेंस है वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लेंस है, क्योंकि ये 8 MP है इसका, एंड अपर्चर 2.25 का है। और एंड इसमें जो एक डेप्थ लेंस
यूज किया गया वो है 5 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.4 का यहाँ पे है, तो आपको ब्लर इफेक्ट भी काफी हद तक सही देखने को मिलेगा। उसका जो इसका मैक्रो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का है और आप इससे काफी क्लोजअप पिक्चर ले सकते हो। यहाँ पे ड्यूअल एलईडी फ्लैश काफी अच्छा काम करता है लो लाइट में भी। एंड अगर इसके वीडियो का बात करें तो इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p वीडियो, आप 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हो। फोर के वीडियो आप 30 फ्रेम पर सेकेंड पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड सुपर स्लो मोशन का भी इसमें सपोर्ट है जो कि आप 1080p वीडियो 240 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइम लैप्स आप 1080p 30fps और 4K 30fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद कुछ कैमरे फीचर्स का बात बताऊँ तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप इसे सिनेमैटिक एक मोड दिया गया है जिससे जरिए आप सिनेमैटिक वीडियो निकाल सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट HDR आप ले सकते हो, नाइटस्केप है, सुपर मैक्रो लेंस है इसमें, पोर्ट्रेट मोड भी आप ले सकते हो और इसमें प्रोफेशनल मोड भी दिया गया है। और इसमें AI सेंस है, डिटेक्शन, रॉ इमेज फिल्टर्स है, क्विक शेयर, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सेम जो बैक साइड में जो सोनी का लेंस यूज किया गया था वही यहाँ पे सेंसर यूज किया गया हुआ है। जो मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का ये कैमरा होने वाला है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होने वाला है। जो फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल का है वो है आपको EIS सपोर्ट करता है यहाँ पे, एंड ऑटो फोकस काफ़ी सही होने वाला है, अपर्चर 2.45 का होने वाला है। एंड जो फ्रंट कैमरा में दूसरा कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड, तो यहाँ पे आपको अपर्चर 2.45 का मिलेगा एंड जो इसका व्यू एंगल होगा वो 105 डिग्री का होने वाला है। यहाँ पे वीडियो में आप 4K वीडियो आप 30 और 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p वीडियो आप 30 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, टाइम लैप्स भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये अभी जो हो रहा है ये हो रहा है 1080p 60fps में, तो 4K और 1080p में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और मेरा साउंड कैसा आ रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कितना बेटर ये साउंड रिकॉर्ड करता है फ्रंट कैमरा से। ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ये 4K 60fps में हो रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना बेटर रिकॉर्ड कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है इसका, एज यू कैन सी मैं अभी चल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ फिर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो काफ़ी बेटर है इसका फ्रंट कैमरा भी। यहाँ पे एक चीज़ मुझे डिसएडवांटेज ये लग रहा है क्योंकि इसके बैक साइड में आप 60fps पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो 4K वीडियो, वहीं पे आप फ्रंट कैमरे में आप 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट कैमरे में जो फीचर्स है वो कुछ फेस अनलॉक है, HDR सपोर्ट करता है, स्क्रीन फ्लैश है, फेस रीटचिंग का फीचर्स यहाँ पे दिया गया हुआ है, फिल्टर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा और अल्ट्रा वाइड सेल्फी भी काफ़ी सही आने वाला है। यहाँ पे जो OnePlus Nord है वो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया हुआ है Snapdragon का 765 5G प्रोसेसर वाला चिपसेट जो कि Adreno 620 पे बेस है। एंड रैम इसका होने वाला है कुछ अलग अलग टाइप का, जैसे कि 6GB रैम अगर आप लेते हो तो आपको 64GB इंटरनल मिलेगा, 8GB रैम लेते हो तो 128GB मिलेगा, एंड अगर फाइनली जो इसका हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला है 12GB ऑफ रैम एंड 256GB ऑफ स्टोरेज
वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे 4115 मिली एम्पियर का बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप होने वाला है। अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो पूरे दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वहीं पे वाइब चार्जर का 30T फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, तो आप बैटरी भी काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हो। कनेक्टिविटी फीचर्स का बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, बट इंडिया में अभी इसका टेस्टिंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी 4G तक ही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग का भी फीचर्स मिलेगा। यहाँ पे ऑडियो में एक एडवांटेज ये है कि आपको नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास माइक भी नहीं है और आप चाहते हो वीडियो रिकॉर्ड करना, तो काफ़ी हद तक नॉइस को कैंसिल कर देगा। ये जो OnePlus Nord है, इसे काफ़ी देर यूज करने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में रहा है। इसका जो 90 हर्ज का जो फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है जब आप गेम प्ले करते हो उस समय, या आप कोई मल्टीटास्किंग करते हो ऐप को, अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाता है कि कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में ये काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है। इसका जो इसका कैमरा है, क्वाड कैम कैमरा है, काफ़ी अच्छा है इसका, एंड इसमें काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल है। इसका सैंपल आपको मिल जाएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बेटर इसका कैमरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेंशन डिस्ट्रॉय चैनल। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, अगर इसी तरह का आप रिन्यूड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको किसी गैजेट के ऊपर वीडियो अच्छा लगता है देखना, तो इन्वेंशन डिस्ट्रॉय को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।